हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू कात्यायनी कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज एग करी। जी हाँ, बिना अंडे की अंडा करी, जो कि दिखने में बिल्कुल ही एग करी जैसा है। और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं वो इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 50 ग्राम चने की दाल ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह धोकर डेढ़ ग्लास पानी के साथ इसको प्रेशर कुकर में 8 से 9 सीटी तक बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर चने की दाल जो है बॉईल हो चुकी है। अब इसको हमें बिना पानी डाले खूब अच्छी तरह से मैश करना है। यहाँ पर मैंने मैशर की हेल्प से इसे मैश करना है। आप इसे चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुका है। इस दाल के मॉइस्चर को हटाने के लिए थोड़ा सा हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब अंडे के वाइट वाले पार्ट के लिए हम 250 ग्राम यहाँ पे पनीर लिए हुए हैं, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सी भी कर सकते हो, पर कद्दूकस से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक के वाइट पोर्शन को बनाने के लिए हम कद्दूकस किए हुए पनीर को जो है थाली में रखकर मैश करेंगे। जी हाँ, इसको अपने हाथों से ही मैश करना पड़ेगा। इसको मैश करने में लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। खूब अच्छी तरह से इसे मैश करिए ताकि इसका एक स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो जाए। अब एक बाउल में मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। चाहे तो आप मैदे का भी यूज कर सकते हैं। अब ये पनीर जो है मैंने मैश करके डो बना के रखा है, इसमें कॉर्नफ्लोर को मैं थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डाल के फिर एक बार भी मैश कर लेंगे। इसको भी 2-3 मिनट तक हम मैश करेंगे और फिर एक स्मूथ सा डो बना देंगे ताकि ये फ्राई करने में फटे ना। अब ये डो बहुत स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब चने की दाल का जो मैंने मैश करके रखा था उसका छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे। इनको छोटा छोटा ही बनाना है, ज़्यादा लड्डू के साइज का नहीं बनाना है। अब देखिए, इस तरह से बॉल बनाना है और इस तरह से सारे योग बनके तैयार हो गए हैं। अब इस अंडे की योग को हम एक साइड में रख देते हैं और ये जो पनीर हमने तैयार किया था इसका हम छोटे छोटे रोटी का, जैसे लेची बनाया जाता है उसी तरह का हम लोई तैयार कर लेंगे एग को प्रिपेयर करने के लिए। अब अपने हाथों को एक बार फिर से ग्रीस कर लेंगे और पनीर की लोई को लेकर हाथ में इस तरह से प्रेस करते हुए फैला लेंगे और इसमें एक एक योक रख के इस तरह से इसको कवर करेंगे। खूब स्मूथ सा इसको अंडे का शेप दे देंगे ताकि ये फटे ना। अब देखिए, अब दूसरे अंडे को शेप देकर बताती हूँ। अब इस तरह से दूसरे अंडे को भी आप शेप दीजिए और ध्यान रखिए कि ये फटने ना पाए। हमने यहाँ अंडों को शेप दे दिया है। अब इसको एक बार 1 चम्मच मैदे से थोड़ा सा कोटिंग कर लेते हैं ताकि ये डीप फ्राई करते समय फटे ना कहीं से। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मैंने एक प्याज मीडियम साइज का, 2 टमाटर, कुछ लहसुन के कोए, थोड़ा सा अदरक और 4 मिर्चें लिए हुए हैं। प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे और लहसुन और अदरक को भी छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इनको थोड़ा सा पानी मिलाकर इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, ये पेस्ट कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च,
नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता, टमाटर की प्यूरी जिसे पीस कर रखा है, और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। पर अंडों को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली हुई है जिसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगी। मस्टर्ड ऑयल को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। यहाँ तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब धीरे धीरे अंडों को एक एक करके ऑयल में डालेंगे और इसको हल्के हाथों से फ्राई करेंगे। देखिए एक भी अंडा फूट नहीं रहा है, ना कहीं से क्रैक हो रहा है। मैंने अपने कटलेट वाले वीडियो में भी बताया था, पहले फ्लेम को हाई करिए, तेल को खूब अच्छी तरह गर्म कर लीजिए, फिर स्लो करके आप इसको फ्राई कीजिए, तब एक भी अंडे फूटेंगे नहीं। यहाँ पर ऑयल मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। अब बचे हुए ऑयल में खड़ा गरम मसाला डाल के थोड़ी देर चलाते हैं। अब इसमें प्याज लहसुन अदरक का पीसा हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मसाला लगभग फ्राई हो चुका है, 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर को मसाले के साथ खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब 5 से 6 मिनट तक का टाइम लगेगा। अब इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। अब इस मसाले में हल्दी, नमक, अब धनिया पाउडर, फिर गोल मिर्च पाउडर को ऐड करके हम इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब इस मसाले में थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह से चलाकर हम लिड से इसको कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। कवर को उठाकर चेक करते हैं और इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं मसाले में, और थोड़ा सा पानी, लगभग 1 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करके इसको कवर कर देते हैं। अब कवर को हटाकर देखते हैं। अब ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम एक एक करके अंडों को डाल देंगे। अब ये अंडा करी बनकर एकदम तैयार है। अब इस स्टेज पे हम इसमें धनिया पत्ती और देसी घी डाल देते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। लग रहा है ना एकदम अंडा करी जैसा। पनीर के एक अंडे को हम कट करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए लग रहा है ना ओरिजिनल अंडे की तरह। वो जो अपने घर में नॉन वेज नहीं बना सकते हैं, वो इस एग करी को, वेज एग करी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट एकदम सिमिलर टू एग करी की तरह होता है। आप इसको ज़रूर अपने घर में बनाइए। तो आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।